अपने सहयोगी शिक्षकों का स्वागत करती हूँ। मुझे आज इन हाउस ट्रेनिंग के अंतर्गत अपना मत रखने का सौभाग्य मिला है। आज मेरी ट्रेनिंग का मुख्य विषय है छात्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका। आज हम चर्चा करेंगे कि छात्र की जीवन को बनाने वाले शिक्षक की भूमिका उनके छात्रों के लिए क्या होनी चाहिए। प्राचीन काल से आज तक शिक्षक को समाज के आदर्श व्यक्तित्व के रूप में स्वीकारा जाता है। प्रारंभ में वे ब्रह्मा विष्णु तो कालांतर में धर्म गुरु बनते हैं। यह तो निश्चित ही है कि बालक के व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षक की अद्वितीय भूमिका है। मनोविज्ञान के प्रभाव ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। ऐसे में आधुनिक शिक्षा पद्धति में शिक्षक शिक्षक होने के साथ साथ अभिभावक, नेता, निर्देशक, सहयोगी, सलाहकार तथा निष्पक्ष निर्णायक आदि अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करता है। आज शिक्षक अनेक प्रकार से बालकों का सहयोग करता है। भौतिक युग की कृत्रिमता यांत्रिकता ने भारतीय परिवेश को परिवर्तित एवं परिवर्तनशील बना दिया है। समय के साथ साथ नए नए प्रयोगों और दृष्टिकोणों ने हर व्यवसाय एवं पद के स्वरूप को बदल दिया है। जब ऐसा परिवर्तन समाज में आता है तब समाज के शिक्षित सुशिक्षित वर्ग का दायित्व और भी बढ़ जाता है। दायित्व का भार उसे अधिक संयमित होकर निभाना पड़ता है। यह बात शिक्षक वर्ग पर अधिक लागू होती है। समाज का निर्माता, राष्ट्र का मार्गदर्शक, स्वास्थ्य परंपराओं के नियामक शिक्षक को और भी अधिक सावधान होने की जरूरत है। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही जो मुक्ति दिलाए। आज शिक्षा का उद्देश्य सा विद्या या विमुक्तये हो गया है, अर्थात विद्या वही जो नियुक्ति दिलाए, मुक्ति नहीं बल्कि नियुक्ति दिलाए। इस दृष्टि से शिक्षा के बदलते अर्थ ने समाज की मानसिकता को बदल दिया है। यही कारण है कि आज समाज में लोग केवल शिक्षित होना चाहते हैं, सुशिक्षित नहीं बनना चाहते। शिक्षित होना और सुशिक्षित होना ये दोनों चीज शिक्षा पर ही आधारित है। केवल पढ़े लिखे लोगों को लोग शिक्षित कहें तो ठीक है, वो शिक्षित है लेकिन सुशिक्षित नहीं है। सुशिक्षित का अर्थ होता है हमारा हर एक व्यवहार, हमारा पूरा बॉडी लैंग्वेज दिखना चाहिए कि हम सुशिक्षित हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा कहानी आपके सामने रखना चाहूंगी। एक परिवार में माँ ने अपने बच्चे को बचपन से ही हर एक छोटी छोटी चीजों में सीख दी है। कहा जाता है ना कि अभिमन्यु को माँ के गर्भ में ही शिक्षा मिल गई थी चक्रव्यूह की का भेद करने के लिए। चक्रव्यूह तोड़ने का शिक्षा उसे माँ के गर्भ में ही मिल चुका था। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ जो होती है, बच्चा जब छोटा होता है माँ के संपर्क में ज्यादा होता है, तब वहाँ माँ अपने बच्चे को शिक्षित करती है। एक उदाहरण यहाँ पर मैं दूंगी। एक बच्चा नौकरी के लिए गया,
उसका इंटरव्यू था, माँ का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वो बोला कि माँ आज मेरा इंटरव्यू है, मैं निकल रहा हूँ। वो ऑफिस गया और दफ्तर में जब वो पहुंचता है तो मेन दरवाजे पर रखा हुआ डोरमैट थोड़ा सा आड़ा तिरछी तरीके से रखा हुआ है। तो वो घुसते ही पहले क्या करता है, उस दरवाजे पर जो डोरमैट रखा हुआ है उसको ठीक करता है, जैसे रखना चाहिए बस सुव्यवस्थित करता है। उसके बाद वो अंदर जाता है, अंदर में एक महिला बैठी हुई है जो उस वहाँ की कर्मचारी है। वो उनसे पूछते हैं कि मेरा आज इंटरव्यू है, मुझे कहाँ जाना है। तो वो बोलती है आपको बोला जाएगा, आप जाकर उस सोफे पर बैठ जाइए। जब वो सोफा पर बैठने जाता है तो देखता है कि सोफे का जो कवर है वो सुव्यवस्थित ढंग से नहीं लगा हुआ है, थोड़ा इधर उधर है। तो वो बैठने से पहले उस कपड़े को ठीक कर लेता है, बैठता है। बैठते ही जब उसका नजर आगे पड़ता है, जहाँ खिड़की है, खिड़की पर फ्लावर पॉट रखा हुआ है, तो वो फ्लावर पॉट क्या हो रहा है कि अब लगे तब लगे लोगों के टक्कर से लगकर वो गिर जाएगा, इतना किनारे है। तो वो उठता है और तुरंत जाकर पहले फ्लावर पॉट को ठीक करता है। उसके बाद वो आकर फिर सोफे पर बैठ जाता है। वो महिला बोलती है जाइए आपके ऊपर इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। वो सीढ़ी चढ़ता है तो देखता है कि दिन में भी इतना लाइट्स क्यों जला हुआ है। वो स्विच ऑफ कर देता है, जाता है, नॉक करता है, मैं कम सर, यस कम। उसको अंदर आने की अनुमति मिलती है। वो खड़ा है तो जो पांच लोग बैठे थे उसका इंटरव्यू लेने के लिए, वो बोलते हैं कि प्लीज सिट, आप बैठ जाइए। तो वो थैंक यू कहकर बैठ जाता है। इतने में जो प्रमुख है इंटरव्यू लेने वाले अफसर ने, वो उठकर उससे हाथ मिलाता है और कहता है आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। तो वो बोलता है कि सर मैंने तो अभी इंटरव्यू दिया ही नहीं और आप मुझको ज्वाइनिंग दे रहे हैं। इस पर उसने कहा, उस अफसर ने कहा कि आप जब से इस ऑफिस के दरवाजे पर आए हैं तब से आपका इंटरव्यू चल रहा है। जब आप इतने छोटे छोटे चीज में इतना सजग हैं तो मैं बड़े कार्य का कार्यभार आपको सौंप सकता हूँ। वो बहुत खुश होता है और आकर माँ को गोद में उठा लेता है और कहता है कि माँ ये तुम्हारी दी हुई शिक्षा है जिसके कारण मैं शुरू से हर छोटी छोटी चीजों में सजग रहा तो मुझे आज इतना बड़ा जॉब मिल गया। कहने का मतलब है कि शिक्षा और सुशिक्षा, शिक्षित और सुशिक्षित, शिक्षित पढ़े लिखे को कर सकते हैं, पढ़ा लिखा सुशिक्षित हो सकता है ऐसा नहीं कर सकते हैं। सुशिक्षित होने के लिए पूरा उसका व्यवहार सुशिक्षित होना चाहिए। तो यही कारण है कि आज समाज में लोग शिक्षित होना चाहते हैं, सुशिक्षित नहीं बनना चाहते। वे चाहते हैं कि ज्ञान का सीधा संबंध उनके अर्थोपार्जन से ही हो, यानी हम ऐसा पढ़े जिसमें हम धन ज्यादा कमा सके। पढ़ाई को बस धन कमाने का एक जरिया मानकर पढ़ा जाता है। जिस ज्ञान से अधिक धन और उच्च पद को ग्रहण किया जाए वही शिक्षा कारगर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अभिभावकों की सोच अपने बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील बनती चली जा रही है। वे स्वयं बच्चों को चांद तारे सुख सुविधाओं से भरकर कर्तव्य विमूढ़ बनाते जा रहे हैं, यानी बच्चा के मुंह से निकला नहीं कि कहते उसके लिए वो सामान उपलब्ध करवा रहे थे। कारण यही है कि बच्चा हर चीज में अपने आप को अलग करके माता पिता पर ही निर्भर रहता है। इससे बच्चों में समाज में संघर्ष करने की भावना खत्म होती जा रही है। बच्चे समाज में अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। हर चीज के लिए तो बचपन से उन्होंने कोई प्रयास किया नहीं और चीज उनके सामने मिल गया। वे कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहते। हरदम अभिभावक उनकी सहायता मदद के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें स्वयं कुछ नहीं करने देना चाहते। ऐसे में शिक्षक को विद्यार्थियों को उचित ढंग से
प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यहाँ एक शिक्षक अपने अच्छे व्यवहारों के द्वारा अच्छे तरीके से उस बच्चे को संभाल सकता है। शिक्षक का कर्तव्य छात्रों को केवल शिक्षित करना ही नहीं अपितु उन्हें संस्कारी भी बनाना है। बच्चे आजकल संस्कारी, आप क्लास में जाते हो, हम सब क्लास में जाते हैं, तो क्लासरूम में बहुत हर परिवार से बच्चे आए हुए होते हैं, उनको देखकर, किसी बच्चे को देखकर आपको लगता है कि इसके परिवार ने इसको क्या किया है, और वही दूसरे बच्चे को देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि उनके परिवार ने उनको क्या किया है। बच्चे को देखकर उसके परिवार का एनवायरमेंट हम लोग पता कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से शिक्षक को उन छात्रों को डील करना चाहिए, है ना। वो अध्यापक का कार्यक्रम ये नहीं होता है कि पाठ पढ़ाएं और चल दें, अभी तो पाठ को पढ़कर या पढ़ाकर उसमें आई उद्देश्यात्मकता, नैतिकता आदि को समझाना सिखाना भी उसी का कर्तव्य होता है, टीचर्स का ही कर्तव्य होता है। पाठ को पढ़कर समझने की सार्थकता तभी है जब उस ज्ञान को व्यवहार में भी लेकर आया जाए। अगर हमारा व्यवहार ही डेवलप नहीं हो रहा है, व्यवहारिकता से हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो हम अच्छे शिक्षक नहीं हैं। आज बालक का मार्गदर्शक शिक्षक ही है, विद्यालय मृत प्राय। आज बालक का मार्गदर्शक है, शास्त्र ने निर्विद्यालयीकरण की सिफारिश की। इस विद्वान ने विद्यालय मृत प्राय की संकल्पना देकर विद्यालय के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इनके अनुसार शिक्षा अनौपचारिक और गैर अनौपचारिक होनी चाहिए। शिक्षा, हम इस पर भी आगे बात करेंगे, शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक शिक्षा और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। बालक जब सीखना चाहे, जैसे सीखना चाहे, यह उसका अधिकार है, अतः यह अवसर उसे मिलना चाहिए। इसलिए आज औपचारिक शिक्षा के स्थान पर खुली शिक्षा के रूप को भी समर्थन मिला है। अतः आज के शिक्षक सब कालों के शिक्षकों से भी दिखाई देते हैं। वे विद्यार्थी से दूर रहकर भी शिक्षा देने लगे हैं, वो विद्यार्थियों से भी दूर रहकर शिक्षा देने लगे हैं। एक अच्छे अध्यापक का व्यवहार आज के संदर्भ में मित्रवत होना चाहिए। अगर एक शिक्षक बहुत ज्यादा भी स्ट्रिक्ट है तो बच्चे और गंदे हो जाएंगे। बच्चे को शिक्षित करने के लिए, सुशिक्षित करने के लिए उसके साथ मित्रता का भाव भी रखना पड़ता है। मित्रवत का व्यवहार आज के संदर्भ में मित्रवत ही होना चाहिए। मित्रवत व्यवहार होने पर छात्र अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को खुलकर प्रकट कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा भी स्ट्रिक्ट हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने मन की भावना को वो दाब देते हैं। तो टीचर को कम से कम कभी कभी ऐसा भी अपना स्वभाव वहां दिखाना चाहिए कि बच्चा खुलकर आपसे बातें कर सके। अध्यापकों से भय का भाव उन्हें अपने से दूर करता चला जाता है। आपसे अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो बच्चा क्या होता जाता है, आपसे दूर होता जाता है। वे कद और भार में तो शारीरिक रूप से बढ़ते रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनका विकास नहीं होता है। बच्चे बढ़ते हैं लेकिन उनका मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाता है। इससे शिक्षक द्वारा दिया गया ज्ञान व्यर्थ हो जाता है।
अगर बच्चा को हम सही तरीके से शिक्षित नहीं कर रहे हैं तो बच्चा क्या हो रहा है, बच्चा उस ज्ञान से दूर होता चला जा रहा है। प्रायः कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो डांट फटकार कर समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे डर के कारण बच्चों का विद्यालय जाने का मन नहीं करता है। बच्चे कभी कभी विद्यालय आने से कतराते हैं, कारण यही है कि नहीं आज फलाने टीचर्स का क्लास है और मैं ये होमवर्क नहीं बनाया हूँ तो टीचर मुझको क्या करेंगे, आज बहुत मारेंगे डांटेंगे, क्लास के सामने बहुत इंसल्ट करेंगे, तो मैं आज माँ से बहाना कर लेता हूँ कि मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं जाऊँगा। तो विद्यालय जाने से भी बच्चे कतराते हैं, वे विद्यालय जाने से कतराने लगते हैं, घर से विद्यालय जाने की बजाय कहीं और भी घूमने फिरने तथा समय काटने पहुंचते हैं। अगर बच्चा घर से भी डर रहा है कि मम्मी को बोलेगी तो मम्मी बोलेगी नहीं तुम जाना हो स्कूल तुमको जाना है, तो हम स्कूल तो आ गए लेकिन स्कूल के अंदर जाएंगे तो टीचर भी डांटेंगे, तो इससे क्या होता है बच्चा सोचता है चलो बाहर ही हम इधर घूम फिर के फिर टाइम होगा हम घर वापस चले जाएंगे, तो ये सारी चीजें बच्चों में देखने में आ रही है। ऐसे हालत में बच्चों का मन कैसे पढ़ाई में लगेगा, पढ़ाई बोझ लगने लगेगी, विद्यालय से दूरी बढ़ने लगेगी, दूरी का भाव खिन्नता कुंठा और तनाव को फैलाता है, बच्चे उग्रता में आकर अमानवीय व्यवहार करने लग जाते हैं। यही कारण है कि आज हम समाज में विद्यार्थियों द्वारा अपने ही साथियों को मारने लूटने से लेकर जघन्य कार्यों में लीन देखते हैं। वे अपने साथियों से ही अमान्य व्यवहार करते हुए संकोच नहीं करते, आप देखते होंगे ना कभी कभी ऐसा भी हम लोगों को, हम सब शिक्षक हैं, ऐसा भी हम लोगों को देखने में मिलता है। यौन शोषण हिंसा का वातावरण फैलाने लगते हैं, शिक्षक का मित्रवत व्यवहार छात्रों के मन में आई हड़ताव को दूर करता है। हम शिक्षक ही हैं जो बच्चों के अंदर जो इस तरह की भावनाएं आ रही हैं उसको इन गलतियों से दूर हटाकर एक सही रास्ते पर लाने का कार्य कर सकते हैं। जीवन संजीवनी का कार्य करने वाले अध्यापकों का प्रभाव निश्चित रूप से गुमराह छात्रों की दशा और दिशा बदलने में कारगर सिद्ध होता है। शिक्षण व्यवसाय निसंदेह एक आदर्श व्यवसाय है, इसलिए शिक्षक के उत्तरदायित्व उसकी भूमिकाएं तथा उसके कार्य अधिक जिम्मेदारी होते हैं। आधुनिक शिक्षा पद्धति में शिक्षक के स्वरूप की संकल्पना करें तो लगता है शिक्षक वर्तमान प्रचलित शिक्षण पद्धतियों तथा कार्य प्रणालियों के साथ परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अपने को बना रहा है। वह शिक्षक होने के नाते एक अच्छा मार्गदर्शक बनता है, वह शिक्षण में नई एवं सामयिक विधियों नव प्रौद्योगिकी तथा यांत्रिकी उपकरणों का प्रयोग करता है। जैसे कि हम लोग अभी देखे ना कोविड में हम लोग क्या कर रहे थे, बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे थे, बहुत टीचर्स लोग ऑनलाइन शिक्षा जो दे रहे थे उसमें वो उतना नहीं जान रहे थे कैसे किया जाए, लेकिन समय ने उनको भी ये सारी चीजें सिखा दिया। वह प्रवेश प्रक्रिया शिक्षा मूल्यांकन तथा अभ्यास आदि में नव तकनीकों का प्रयोग भी करता है। शिक्षक पालकों का मित्र तथा सहयोगी होने के कारण मार्गदर्शक के रूप में भूमिका अदा करता है, साथ ही विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास तथा राष्ट्रीय एकता के विकास में भी भूमिका निभाता है। शिक्षक राष्ट्र विकास में भी भूमिका अदा करता है। अतः प्राचीन समय की तुलना में आधुनिक शिक्षा पद्धति में शिक्षक बालकों के अधिक नजदीक है, किंतु एक शिक्षक को इस नजदीकी के दायरे भी बरकरार रखना
शिक्षक को इस नजदीकी के दायरे भी बरकरार रखने चाहिए। कभी कभी आवश्यकता से अधिक नजदीकी भी घातक साबित होती है। बहुत ज्यादा ही हम बच्चे के साथ मिल जाते हैं तो भी वो घातक सिद्ध होती है। आजकल शिक्षा व्यवस्था के प्रतिमान गिरते जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के प्रतिमान गिरते जा रहे हैं। शिक्षा जगत में प्राय जब छात्र अपने अध्यापकों को ही परस्पर लड़ते झगड़ते निंदा करते देखते हैं तो उनका यह व्यवहार छात्रों को दुर्व्यवहार ही सिखाता है। क्या होता है, हम क्लास में जाते हैं, दूसरे शिक्षक की निंदा अगर करते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे क्या सीख रहे हैं कि आप तो खुद आपस में लड़ते झगड़ते हैं। एक दूसरे को अगर वो जोर से चिल्लाते देखते हैं तभी उनको लगता है कि टीचर को तो अपने में भी ये नहीं है, तो फिर वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, तो अपने ऐसे हैं। तो लड़ते झगड़ते दुर्व्यवहार को वो जब देखते हैं तो वैसा अपने आप में डेवलप करने लगते हैं। आपसी मनमुटाव का प्रभाव छात्रों की शिक्षा पर भी पड़ता है। निश्चित रूप से छात्रों का परीक्षा परिणाम तो प्रभावित होता ही है, साथ ही उनकी मानसिकता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। शिक्षक के चरित्र का सबसे अधिक प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। इस चीज पे हम लोग गौर करेंगे। एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता है, तभी शिक्षक को समाज में कुछ दर्जा दिया जाता है। वो समाज में मार्गदर्शक का कार्य करता है, इसलिए शिक्षक को समाज में कुछ दर्जा दिया जाता है। इसलिए एक शिक्षक या गुरु अपने विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सफल जीवन के लिए शिक्षा बहुत उपयोगी है जो हमें गुरु द्वारा प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं समाज और देश के निर्माण में शिक्षकों का अहम योगदान किस तरह से। हमारा समाज तभी शिक्षित होगा जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, और जब बच्चे शिक्षित होंगे तो इसकी शिक्षा का पूरा कार्यभार इसके ऊपर है, हम टीचर्स लोग अध्यापक के ऊपर है और शिक्षकों के ऊपर है। तो समाज और देश के निर्माण में शिक्षकों का अहम योगदान। शिक्षक समाज में कुछ आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है। किसी भी देश या समाज के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। कहा जाए तो शिक्षक समाज का आईना होता है। हिंदू धर्म में शिक्षक के लिए कहा गया है कि आचार्य देवो भव, यानी कि शिक्षक या आचार्य ईश्वर के समान होते हैं। यह दर्जा एक शिक्षक को उसके द्वारा समाज में दिए गए योगदानों के बदले स्वरूप दिया जाता है। शिक्षक को क्यों कहा जाता है कि आचार्य देवो भव, अर्थात ईश्वर के समान है हमारे गुरु आचार्य, क्यों कहा जाता है। शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा से ही पूजनीय रहा है। कोई उसे गुरु कहता है, कोई शिक्षक कहता है, कोई टीचर कहता है, कोई आचार्य कहता है ना। तो ये सभी शब्द एक ऐसे व्यक्ति को चित्रित करता है जो सभी को ज्ञान देता है, चाहे वो टीचर बोलिए, अध्यापक बोलिए, शिक्षक बोलिए, गुरु बोलिए, आचार्य बोलिए, वो ज्ञान प्रदान करता है। और जिसका योगदान किसी भी देश या राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करना है। सही मायनों में कहा जाए तो एक शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों का जीवन गढ़ता है। एक शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों का जीवन गढ़ता है और शिक्षक की समाज की आधारशिला है। एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता है, तभी शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा दिया जाता है।
बच्चों को किशोरावस्था में एक शिक्षक क्या दे सकता है, यानी कि किशोरावस्था में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। जब बच्चे टीनेजर्स होते हैं उस समय बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। किशोरों के विकास पर विद्यालय व शिक्षकों का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में यदि स्कूल का अनुशासन बहुत सख्त नहीं है और विद्यार्थी की भावनाओं का आदर किया जाता है तो विद्यार्थी को पढ़ाई करने में आनंद आता है। शिक्षक उचित रूप से प्रशिक्षित हंसमुख एवं उत्साहित हो तो बच्चों में छिपी प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं। किशोर अपने बारे में सकारात्मक सोच बना सकते हैं, क्योंकि यही वो एज होता है जब बच्चे नकारात्मक सोच को और सकारात्मक सोच को दोनों को, अगर आप हमेशा उनके सामने सकारात्मक सोच रख रहे हैं, अच्छी बातों के साथ उसको अपना मोरल वैल्यू भी देते हुए पढ़ा रहे हैं तो वो सकारात्मक सोच के साथ ऊपर आएगा। अगर हम बहुत ज्यादा उसके साथ सख्त हैं, उल्टा सीधा बात बोलते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर नकारात्मक सोच आने लगता है कि चलिए टीचर बाहर निकलिए आपको बड़ी मार देंगे, तो ऐसी ऐसी बातें उनके अंदर आने लगती है। विद्यालय जाने से अधिक कार्यभार सख्त, यहाँ पर यह भी चीज ध्यान में रखना है कि अप्रशिक्षित अयोग्य अध्यापक एवं छात्रों की अधिक संख्या, अधिक कार्यभार, सख्त पाठ्यक्रम तथा नियम बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अगर हमारे विद्यालय में पाठ्यक्रम बहुत सख्त तरीके से बना हुआ पाठ्यक्रम है तो बच्चों को वो भी पसंद नहीं आता है, नकारात्मक सोच उनके अंदर आने लगती है। अगर टीचर अयोग्य है, वो टीचर की योग्य नहीं है कि वो पैसा कमाने के लिए अगर टीचर शिक्षा दे रहा है तो ऐसे में भी बच्चे को सकारात्मक पहलुओं में नहीं डाल सकता है, सकारात्मक रूप से तैयार नहीं कर सकता है। अप्रशिक्षित, अगर वो प्रशिक्षित नहीं है, यानी कि उसने टीचर्स का जो पद है उस पर वो आ गया है लेकिन उसका प्रशिक्षण उसने नहीं लिया है तो उसका भी गलत प्रभाव देखने को मिलता है बच्चे के रूप में नकारात्मक। पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है बच्चों की इस तरह से तथा अच्छे परिणाम नहीं ला पाते। समाज और विद्यालय के समन्वय में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। बच्चों में संस्कार और संवाद के गुण स्थापित करना। किताबी ज्ञान तो आज की तकनीक हमें घर बैठे ही प्राप्त हो सकता है, लेकिन शिक्षक ही वह माध्यम है जो अपने विद्यार्थियों शिक्षा के साथ समाज के लिए उचित और सार्थक संस्कार करता है। किताबी ज्ञान तो हमें घर बैठे भी मिल सकता है, लेकिन शिक्षक वह माध्यम है जो विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ समाज के लिए उचित और सार्थक संस्कार प्रदान करता है, साथ ही एक बेहतर और प्रगतिशील समाज का सबसे बड़ा गुण होता है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छ संवाद, स्वास्थ्य एवं स्वच्छ संवाद, कभी कभी टीचर्स के बोलने का तरीका बच्चे देख के ही समझ जाते हैं, जब आप इस तरह के वचनों का प्रयोग कर सकते हैं तो आप हमें क्या उचित शिक्षा देंगे। हम लोग भी देखते हैं रेडियो करके बातें करना, भोजपुरी में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देना जिससे बच्चों को लगता है कि भाई टीचर तो अपने कितना शिक्षित है, वो हमें क्या शिक्षित करेंगे, तो बच्चों में वो रुचि भी हटती जाती है टीचर के प्रति और टीचर की बातों को वो हवा में उड़ाते जाता है। क्वालिटी, अगर हम एक अच्छे शिक्षक हैं तो वो क्वालिटी झलकनी चाहिए बच्चों के सामने। जिसे सीखने के लिए हम हमारे अच्छे शिक्षक के द्वारा अच्छी क्वालिटी अच्छे शिक्षण चीज सीखने के लिए विद्यालय से बेहतर स्थान और अध्यापक से श्रेष्ठ माध्यम कोई नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षक पर ज्यादा
अब हमारे लिए एक अच्छे शिक्षक के गुण, एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो प्रथम है वेशभूषा, उसका पहनावा, अच्छा स्वास्थ्य, उच्च गुणवत्ता, नेतृत्व शक्ति, लीडरशिप, हम किस तरह से निभा रहे हैं बच्चों के सामने, धैर्यवान, उत्साह और आत्मसम्मान। सबसे पहला है वेशभूषा। टीचर का व्यक्तित्व प्रभावशाली होने के लिए उसका बाहरी स्वरूप अध्यापक के समान ही होना चाहिए। उसका जो बाहर से देखे तो लगे कि हाँ ये अध्यापक हैं, हमारे शिक्षक हैं, इसलिए वेशभूषा एक शिक्षक की तरह ही होनी चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छे अध्यापक का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी अति आवश्यक है। अगर वो क्लास में जाकर छींकते हैं, खांसी करते हैं, दुबले पतले कमजोर हैं, जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, स्वस्थ नहीं है, तो भी हमारे बच्चे अच्छी तरह से शिक्षित नहीं होंगे। इसलिए टीचर का अच्छा स्वास्थ्य भी अति आवश्यक है। उच्च गुणवत्ता, एक शिक्षक को चारित्रिक रूप से दृढ़ होना चाहिए। वो अगर चारित्रिक रूप से दृढ़ है, उसमें वो क्वालिटी है, तो बच्चे वही चीज गेन करते हैं, वही चीज वो अपनाते हैं। नेतृत्व शक्ति, एक अच्छे शिक्षक में नेतृत्व शक्ति भी महत्वपूर्ण है। किस तरह से हम अपनी कक्षा में बच्चों को बांध के रख सकते, इस तरह से अपने पढ़ाई के माध्यम से, अपने अच्छे व्यवहार के माध्यम से, अच्छे अच्छे कुछ कुछ तरीकों से पूरे क्लास को 40 मिनट तक अगर हम क्लास में हैं तो किस तरह से बांध कर रख सकते हैं, ये नेतृत्व शक्ति भी एक टीचर के अच्छे गुण में आते हैं। धैर्यवान, तरह तरह के बच्चे में मिलते हैं, हम बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, तो टीचर में तो होनी चाहिए, धैर्यवान और होना चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हैं जब हम बर्दाश्त में करना है, तो धैर्यवान भी अच्छे शिक्षक के गुण के अंतर्गत है। उत्साह, एकदम नीरस नहीं हो, हम जाए क्लास में और ऐसे ही नीरसता पूर्वक कार्य करके निकल लिए, 40 मिनट पढ़ाना है, पढ़ा लिए, हो गया मेरा काम खत्म। तो अगर उत्साहित नहीं है टीचर, अपने में अंदर में मरा हुआ शिक्षक है, तो वो कभी भी बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। ये एक अच्छे शिक्षक के गुण के अंतर्गत नहीं है। आत्मसम्मान, वो भी हमें देखना है। एक अच्छे शिक्षक अपना आत्मसम्मान हमेशा निभाते हैं, वो जानते हैं किस कर्तव्य के लिए है, हमारा कार्य क्या है, हमें किस तरह से बच्चों को डेवलप करना है, ताकि बच्चा को देख कर लगे कि हमने जो किया इस बच्चे में वो मुझको झलक रहा है। तो वो भी आत्मसम्मान जो है आपको, हम सब शिक्षकों को रखना है। उसके बाद राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका, हमने समाज और समाज में देखा कि किस तरह से शिक्षक की भूमिका होती है, अब राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? बालक की अंतः शक्तियों का विकास करना, बालक के अंतः शक्तियों का विकास करना, उनके अंदर की भावना को सामने लाना, ताकि बच्चा बेझिझक होकर अपने चीज को समझा सके और टीचर भी उसकी बातों को समझकर अच्छी तरीके से उसको बता सके। तो अंतः शक्तियों का विकास करना। दूसरा, व्यक्तित्व का विकास करना। चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास करना, आदर्श नागरिक के गुणों को विकसित करना। किस तरह से हम बता सकते हैं कि आप आदर्श नागरिक बन सकते हो, उसमें आदर्श नागरिक होने का हर एक गुण को विकसित करना है। राष्ट्रीय भावना का संचार करना, राष्ट्र हमारा देश में हमारा योगदान क्या होना चाहिए,
आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप लीडर बनिएगा, नेता बनिएगा, तभी आप अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखा पाइएगा। हम छोटी छोटी चीजों में भी किस तरह से अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखा सकते हैं, वो सारी बातें ही बच्चों में डालना अति आवश्यक है। भारतीय संस्कृति और राष्ट्र गौरव से उन्हें परिचित कराना। भारतीय संस्कृति हमारी क्या कहती है, आज हमारा पूरा समाज, पूरा देश आधा से अधिक बच्चे वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनाना पसंद करते हैं, वो अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो बच्चों को बताना है कि हमारी संस्कृति क्या रही है इस देश की, इससे भी परिचित कराना है, राष्ट्र गौरव से भी परिचित कराना है। आप आजाद देश में हो, आपको ये आजादी की जो आप सांस ले रहे हो, इसके लिए हमारे नेताओं ने, हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी क्या योगदान दिया है। अगर वो सोचते कि मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं क्यों देश में लड़ने जाऊं, मेरे अकेले लड़ने से क्या देश को आजादी मिल जाएगी, अगर वो ऐसा सोचते तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें बच्चों के अंदर देनी है जिससे कि उसको राष्ट्र के प्रति भी अपनी पहचान दृढ़ हो। उचित दिशा निर्देश देना, उचित दिशा निर्देश सबसे ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि बच्चे के भटकाव नहीं हो, किस तरह से आप आगे बढ़ोगे, क्या क्या परेशानियां आएंगी, कैसे निकलना है इत्यादि। अब हम लोग आएंगे शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के प्रकार। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है, शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक रूप में बातें करेंगे आगे, तो शिक्षा के प्रकार। शिक्षा जीवन पर्यंत न चलने वाली अनवरत क्रिया है। शिक्षा मरते दम तक हम लेते हैं, ये नहीं कि पढ़ लिया हमारा शिक्षा खत्म, नहीं, हमारी शिक्षा अनवरत क्रिया है। बालक अपने वातावरण में प्रत्येक समय कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से सीखता रहता है, ऐसा नहीं है, हम लोग भी अपने आसपास में हर लोगों से कुछ न कुछ सीखते हैं, और सीखना अच्छी क्रिया है, वो हमेशा हमें रहती है और अनवरत क्रिया वो चलती है। ये सीखना सिखाना ही शिक्षा है, किंतु कैसे सीखा जाए, सीखना क्या है, कहाँ सीखा जाए, कैसे सीखा जाए इत्यादि सभी बातों का उत्तर पाने के लिए हमें शिक्षा के प्रकारों को समझना होगा। शिक्षा का कार्य मात्र औपचारिक केंद्र विद्यालय में ही पूरा नहीं होता, वरन अनेक प्रकार से प्राप्त होती है। समय, प्रत्यक्षता, संख्या तथा विशिष्टता के दृष्टिकोण से शिक्षा को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जैसे पहला है औपचारिक शिक्षा और दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा अर्थात फॉर्मल एजुकेशन, नियमित शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है, जो हम नियमित तौर से अपने स्कूल आते हैं और पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी शिक्षा को हासिल करते हैं, जो किसी निर्धारित समय तथा समझ से आरंभ की जाती है। इस शिक्षा योजना के बारे में छात्र को पहले से ही यह ज्ञात होता है कि क्या शिक्षा दी जा रही है। इस शिक्षा के लिए पहले योजना बना ली जाती है तथा शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण यानी कि पहले से योजना बना ली जाती है कि स्टैंडर्ड वन के लिए क्या हमारा सिलेबस होना चाहिए, बच्चे को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, क्लास टेंथ में बच्चे को क्या क्या बातें बतानी चाहिए, उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये योजना औपचारिक शिक्षा में ये सारी योजना बन जाती है और इस प्रकार हम शिक्षा देना शुरू करते हैं। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय की सीमा में ही दी जाती है। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय की सीमा में ही दी जाती है, पाठ्यक्रम के माध्यम से ही दी जाती है। इसके अतिरिक्त चर्च, मदरसा, पुस्तकालय,
यह छात्र को क्रिया करने का अवसर प्रदान करती है, छात्र को अनुभव प्रदान करती है, व्यवहार को परिमार्जित करती है, उसके व्यवहार को परिवर्तित करती है, उसमें बहुत सारे अच्छे गुण लाती है। औपचारिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं जो इस तरह से है। औपचारिक शिक्षा नियमित होती है, नियम के अनुसार रोज घंटी बजता है, रोज दिन हम लोग स्कूल आते हैं और नियमित तरीके से हम स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। औपचारिक शिक्षा में पहले योजना बना ली जाती है, इसमें शिक्षा के उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होते हैं। औपचारिक शिक्षा में उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। औपचारिक शिक्षा शिक्षण संस्थानों की सीमा में ही दी जाती है। इस शिक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के शिक्षण हेतु शिक्षण विधियां निर्धारित होती है। औपचारिक शिक्षा चर्च तथा मदरसा आदि में भी दिया जाता है। वे संस्थाएं जिनका निर्माण समाज करता है औपचारिक शिक्षा प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य सामान्य तथा आदर्शात्मक होते हैं। यह शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं की प्रतीक है। इस शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक, बहुदेशी एवं जीवन से संबंध होता है। इस शिक्षा का संबंध जीवन से भी होता है। यह शिक्षा वर्तमान, अतीत एवं भावी जीवन की है। अब हम आते हैं अनौपचारिक शिक्षा की ओर, इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या है अनौपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा? अनियमित शिक्षा कहलाती है। अनियमित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम शिक्षण विद्यालय अनुशासन तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं। औपचारिक शिक्षा में हमें शिक्षण विद्यालय पाठ्यक्रम ये सारी चीज की आवश्यकता है, लेकिन अनौपचारिक में नहीं है। भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। बच्चा वहां से शिक्षित होना शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलती रहती है। जैसे चक्रव्यूह का तोड़ना अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं कि छात्र आरंभ में अपनी माँ से, उसके उपरांत पिता, भाई, बहन, परिवार, पड़ोस, समाज, देश, शिक्षक तथा वातावरण आदि से अनेक तथ्यों को सीखता है। जैसा कि मैंने आपको छोटा सा उदाहरण भी दिया कि किस तरह से उस बच्चे का ऑफिस में जॉब लगा, कोई इंटरव्यू उसने नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर जो उसकी माँ ने शिक्षा दिया था वो सारा शिक्षा उसके लिए फायदेमंद हुआ। क्योंकि हम बच्चे को बचपन में ही सिखाते हैं, कहा जाता है ना कि माँ जो होती है वो प्रथम शिक्षिका होती है। बच्चे को किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, बड़ों को किस तरह से मिलते समय उसके चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम करना है, खाते वक्त उनसे आवाज नहीं निकालते, चलते वक्त कैसे आवाज नहीं होना चाहिए, हर छोटी छोटी शिक्षा पहले माँ अपने बच्चे को घर में देती है। तदुपरांत बच्चा स्कूल आता है और स्कूल में वो पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा हासिल करता है, लेकिन जो व्यवहारिकता की शिक्षा होती है वो माँ के द्वारा दी जाती है। तो बच्चा घर में पिता से, भाई से, बहन से, परिवार, पड़ोस, समाज, देश, शिक्षक तथा वातावरण आदि से अनेक तथ्यों को सीखता है।
व्यक्ति जीवन की यथार्थ समस्याओं आवश्यकताओं से संबंध रखता है। इस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाती है। जो संस्थाएं अनौपचारिक शिक्षा का प्रबंध करती है उन्हें अनौपचारिक संस्थाएं भी कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा के शाब्दिक अनौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं कुछ इस तरह से हैं। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक तथा समय अनुसार होता है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं समस्याओं की जानकारी तथा उनकी पूर्ति एवं समाधान से संबंधित होता है। यह शिक्षा व्यवहारिक होती है। इसका संबंध मनुष्य की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं से होता है। इस शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। अनौपचारिक शिक्षा के नियमों तथा क्रमों में लचीलापन होता है। यह शिक्षा वर्तमान पर अधिक बल देती है। इस शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीमित तथा समसामयिक वातावरण हेतु होता है। इस शिक्षा के शिक्षण विधियां उद्देश्य एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। इस शिक्षा का संगठन एवं प्रशासन व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं समस्याओं भौतिक साधनों की उपलब्धि एवं मानवीय साधनों की प्राप्ति हेतु होता है। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार से है। भावी जीवन की उन्नति तथा समृद्धि हेतु संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु औपचारिक शिक्षा की कमियों तथा उनकी पूर्तियों हेतु शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु शिक्षा स्तर में गिरावट तथा छात्रों में उसके प्रति उदासीनता के समाधान हेतु जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न कठिनाइयों का निवारण नहीं हो सकती। परंपरागत शिक्षा व्यवस्था उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। इसी कारण आजकल अनौपचारिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा अब केवल कल्पना ही नहीं वरन अनिवार्य आवश्यकता भी बन गई है। भारत जैसे निर्धन देश में सभी छात्रों को औपचारिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सभी छात्रों को शिक्षित करने के लिए ना तो सरकार के पास धन है और ना ही सभी अभिभावक अपने छात्रों को शिक्षा देने में समर्थ हैं। जो कुछ औपचारिक शिक्षा विद्यालयों में दी जाती है वह भी अनुपयोगी सिद्ध होती है। इसी कारण औपचारिक शिक्षा प्रणाली का कोई विकल्प बनना ही अनिवार्य है। आज हम संचार के नए युग में जी रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने हमें ऑनलाइन शिक्षा के महत्व का एहसास कराया है। शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल क्लासरूम जैसे नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के बारीकियों के उपयोग में परंपरागत होकर विद्यार्थियों के सामने आना चाहिए। उन्हें कंप्यूटर क्रांति का अधिक से अधिक उपयोग कर विद्यार्थियों से जुड़ना होगा। शिक्षकों को एक डिजिटल ज्ञान बैंक बनकर युवाओं को शिक्षा जगत में हो रहे बदलावों से रूबरू करवाना होगा। एक कुशल शिक्षक की प्रति
प्रशासनिक अधिकारी बनाने के साथ साथ उसे एक अच्छा इंसान भी बनाता है। सामाजिक ज्ञान के अभाव में जहाँ एक ओर छात्र समाज को सही दिशा देने में असमर्थ रहता है, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में वह गलत निर्णय लेकर अपने साथ ही अपने परिवार, समाज, देश तथा विश्व को भी विनाश की ओर ले जाने का कारण बन सकता है। इसलिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह आरंभ से ही विद्यार्थियों की नींव मजबूत करके सुंदर सभ्य समाज का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करे। आज हम लोगों ने छात्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका पर विचार किया है और आपके भी अगर कुछ विचार हो तो मैं जानना चाहूंगी इस पर आप अपने कौन से विचार रखना चाहते हैं। मेरे विचारों से आप सहमत हैं या नहीं? प्रदान किया, इसके लिए मैं थैंक यू, धन्यवाद।